हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्री-4 टेस्ट में। आज के वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एसपीडी के जनरल साइंस से क्वेश्चन सब है, ठीक है, आइए डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि रबर के संश्लेषण में निम्न में से कौन प्रयोग किया जाता है, यानी रबर का संश्लेषण करना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना होगा। तो आंसर है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, यानी सोने का आभूषण बनाना है तो हम क्या मिलाते हैं। तो तांबा मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं तो उसमें कठोरता थोड़ी आ जाती है। सोना क्या होता है, प्योर आपका मुलायम होता है हल्का, तो तांबा मिलाने से उसमें कठोरता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नायलॉन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। तो नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ जो है हम लोग एडिपिंग अम्ल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना है किस तरह का परिवर्तन है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। और आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है, हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जब आतिशबाजी हम लोग करते हैं तो हरा रंग दिखाई पड़ता है, तो हरा रंग किस कारण से होता है। तो आंसर जो है आपका बेरिलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, ठीक है। कपूर क्या है, एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है। यानी डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदल जाता है, ठीक है। निम्न से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में देखिए सोना मिलता है हमें मुक्त अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। पुराने तेल चित्रों को उभारने में किसका इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए। कौन सी इनमें से कौन सी तत्व जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है। यानी कौन ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट है जो अपना जो कंपाउंड जो है वो रंगीन रूप में बनाता है, ठीक है। तो क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम का जितना भी आपका यौगिक बनेगा, ठीक है, अपना यौगिक को रंगीन रूप में बनाते हैं, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे तत्व तो बोला गया है, अगर धातु बोलते तो हम लिथियम बोलते, ठीक है। धातु सबसे हल्का होता है, अगर सबसे हल्का धातु बोला जाता तो लिथियम बोलते, लेकिन चूंकि यहाँ तत्व तो बोला है तो तत्व तो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है, तो सोना जो है, सोना देखिए अमराज में घुल जाता है, ठीक है। इसमें HCl, अमराज कैसे बनाते हैं, तो HCl और आपका HNO3, ठीक है, 1:3 के रेशियो में लेते हैं, ठीक है, अमराज तैयार किया जाता है, इसमें सोना घुल जाता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में हम लोग क्या प्रयुक्त करते हैं, तो दिया सलाई में हम लोग लाल फास्फोरस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है ल्यूसाइट बनाई जाती है, ठीक है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे, तो एसिटिलीन से, एसिटिलीन से हम लोग
ल्यूसाइड गैस बनाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को किसमें परिवर्तित करता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वो क्या है, माल्टेज है। ठीक है, एंजाइम का क्या नाम है, माल्टेज है, जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और पेट्रोल में विषैला पदार्थ, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है आपका टेट्रा एथिल लेड होता है। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड मिलाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है शुष्क धुलाई के काम में आता है। ठीक है, शुष्क धुलाई काम में आता है, शुष्क धुलाई किस काम में आता है, बेंजीन। नहीं, शुष्क धुलाई करना है, ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग बेंजीन इस्तेमाल करते हैं। दवा बनाने के काम में आता है, दवा बनाने में क्या काम आता है, तो दवा बनाने में आपका काम आता है बेंजोइक अम्ल काम में आता है दवा बनाने में। ठीक है, और सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है, सबसे अधिक संख्या में कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड जो है बनता है। ठीक है, और हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, यानी हैबर विधि से अगर हमें अमोनिया तैयार करना है तो कौन सा उत्प्रेरक हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैबर विधि में, तो हैबर विधि में हम लोग जो है लोहा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लोहा लोहा उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं अमोनिया के निर्माण में। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, नीला स्याही बनाने हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो नीला स्याही बनाने में हम लोग फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, फेरस सल्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं नीला स्याही बनाने में। और रेयॉन रेशा तैयार किए जाते हैं, रेयॉन रेशा किससे तैयार किए जाते हैं, तो रेयॉन रेशा आपका सेलुलोज से तैयार किया जाता है। ठीक है, और नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार आपका 10^-15 मीटर होता है। ठीक है, निम्न में अस्थायी कण कौन है, निम्न में अस्थायी कौन है, निम्न में अस्थायी कण कौन है, तो न्यूट्रॉन है अस्थायी कण। किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी परमाणु है तो उसका गुण जो है किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है परमाणु के गुण। ठीक है, और किस विटामिन के जल विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है। ठीक है, निजल में ऐसा कौन सा विटामिन घोलेंगे कि उसका जो जल में घुलने के बाद उसका रंग जो है गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है, विटामिन B12 है। ठीक है, विटामिन B12 है जो कि जल में घुलने पर गुलाबी हो जाता है। और सबसे हल्का धातु कौन है, सबसे हल्का धातु कौन है, तो सबसे हल्का धातु देखिए यहाँ पे लिथियम है। नेक्स्ट देखेंगे, वसा विलेय है, वसा किस में विलेय है, वसा विलेय होते हैं, वसा किस में विलेय होते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड के। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में क्या होते हैं, वसा जो है विलेय हो जाते हैं। और एस्पिरिन बनाई जाती है, एस्पिरिन बनाई किससे जाती है, तो एस्पिरिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, तो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्पिरिन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है,
तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। और सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑस्मियम में सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लिथियम। ठीक है, और स्टेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? स्टेप्टोमाइसिन को किसने खोजा है? तो स्टेप्टोमाइसिन को खोजा है बॉक्समैन ने खोजा है। स्टेप्टोमाइसिन को किसने खोजा है? तो बॉक्समैन ने खोजा है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? तो जल का शुद्धिकरण हम लोग क्लोरीन द्वारा करते हैं। जल का शुद्धि हम लोग किसे करते हैं? तो क्लोरीन द्वारा करते हैं। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक विद्युत ऋणी तत्व तो कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व तो कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व तो जो है फ्लोरीन है। ठीक है, और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में है। ठीक है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन किसका नाम है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है। टेफ्लोन किसका बहुलक है? टेफ्लोन किसका बहुलक है? टेफ्लोन जो है टेट्रा फ्लोरो एथीन का बहुलक है। टेट्रा फ्लोरो एथीन का बहुलक है टेफ्लोन। ठीक है, और संश्लेषित रेशा है कौन? रेयोन है। रेयोन जो है संश्लेषित रेशा है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कांच पे अगर लिखना है तो हमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल इस्तेमाल करना होगा। और समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण है। ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग समुद्र के जल से नमक निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो होता है कैल्शियम के विलेय के कारण होता है। और निम्न में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ठीक है, यानी जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें किसका लेपन जो है लगा होता है? तो किसका लगा होता है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप लगा रहता है टेप रिकॉर्डर पर। ठीक है, और सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को हम लोग किस में डुबा कर रखते हैं? किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन में। ठीक है, और यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड है। कार्बामाइड क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम है। आंसर सी। ठीक है, और वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? ना ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो आयोडीन है। आयोडीन जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। और रेयॉन नायलोन पॉलिस्टर एक रेशा है। रेयॉन नायलोन और पॉलिस्टर एक रेशा है। तो किस तरह का रेशा है? ठीक है, तो सिक्स का आंसर क्या होगा? संश्लिष्ट रेशा है। ठीक है, इसे तैयार किया गया है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? ठीक है, मरकरी को हम लोग किस धातु के पात्र में रख सकते हैं? तो लोहा के पात्र में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ये अमलगम नहीं बना पाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा जल से हल्का धातु हल्का होता है? नहीं, इन चारों में से कौन है जो जल से हल्का होता है? तो सोडियम होता है। ठीक है, सोडियम जो है जल से हल्का होता है। नेक्स्ट देखेंगे।
और सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर उसमें होता है। ठीक है, आर्गन भी होता है और मरकरी वेपर भी होता है सामान्य ट्यूबलाइट में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्वार्ट्ज बनता है आपका कैल्शियम सिलिकेट से क्या बनता है? क्वार्ट्ज बनता है। ठीक है, और सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? ठीक है, तो क्या किसे मिश्रित करते हैं? कॉपर को मिश्रित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है, मालूम है हमें। और प्याज और लहसुन के गंध किसके कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो पोटेशियम के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। और किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो सिगरेट लाइटर हम लोग ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरका सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है सिरका। ठीक है, और पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? जो पनीर है वो किसका उदाहरण होता है? तो पनीर जो है उदाहरण होता है जेल का। ठीक है, और सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड किसका नाम है? सिरका का। और पेट्रोल एक मिश्रण है, पेट्रोल एक मिश्रण है किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण है? एल्केन का। ठीक है, एल्केन का मिश्रण है पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? पॉलीथीन तो पॉलीथीन हम लोग प्राप्त करते हैं एथिलीन के बहुलीकरण से। ठीक है, पॉलीथीन किससे मिलता है हमें? तो एथिलीन के बहुलीकरण से मिलता है। और किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं? ऐसा कौन सा रेशा है, कृत्रिम रेशा है या संश्लेषित रेशा है जिसको हम लोग कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? रेयॉन है। ठीक है, नायलॉन है, नायलॉन क्या है? नायलॉन पॉलीएमाइड है। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का क्रिस्टल रूप क्या है? कार्बन का क्रिस्टल रूप क्या है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है हीरा है। ठीक है, और कांच किसका मिश्रण होता है? कांच किसका मिश्रण होता है बताइए, कांच किसका मिश्रण होता है? कांच जो है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, डायनामाइट, डायनामाइट के मुख्य रूप में पाया जाता है। डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में क्या मिलता है? नाइट्रोग्लिसरीन मिलता है डायनामाइट में। ठीक है, और किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl बोलते हैं। इसमें देख लीजिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है,
ठीक है, जो दुर्गंध आता है शौचालय से, उसमें हम लोग उसको नाश करने के लिए क्या किसका उपयोग करते हैं? बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी दुर्गंध आता है उसको नाश करने के लिए हम लोग बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस क्या है? वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के भूपट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अग्निशामक से निकलती है, अग्निशामक से क्या निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? अग्निशामक से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, रबर में मजबूती लाने के लिए और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें सल्फर मिलाते हैं। ठीक है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? जो कच्चा एल्युमिनियम जो होता है, ठीक है, उसे किस नाम से हम लोग जानते हैं? कच्चा एल्युमिनियम को हम लोग कच्चा एल्युमिनियम को हम लोग पायराइट के नाम से जानते हैं। और आवर्त सारणी में डब्लू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? डब्लू अक्षर किसको दर्शाता है आवर्त सारणी में? टंगस्टन को दर्शाता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, टंगस्टन गलनांक कितना होता है? 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी प्रतिशत वायुमंडल होता है? वायुमंडल यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? ठीक है, CO2 की मात्रा जो है वायुमंडल में कितनी है? 0.03% है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करते हैं हम किसमें? AMU में व्यक्त करते हैं, AMU में व्यक्त करते हैं परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? सबसे अस्थायी तत्व कौन है? तो सबसे अस्थायी तत्व तो यहाँ पे शीशा है। ठीक है, और अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस को खोजे थे रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। और खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है, क्या नष्ट होती है? विटामिन नष्ट होती है। ठीक है, और पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखेंगे हम लोग? जल में रखेंगे, पीले फास्फोरस को हम लोग जल में रखेंगे। ठीक है, कौन सी गैस चांदी की सतह पर काला यानी चांदी का जो सतह है उसको काला कर देती है? ठीक है, नहीं, ऐसा कौन सा आपका इन चारों में से कौन है जो चांदी की सतह को क्या कर देती है? काला कर देती है। तो चांदी की सतह को काला ओजोन कर देती है। ठीक है, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं? मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका इस्तेमाल करते हैं? निकेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, निकेल का, मूंगफली के तेल
के हाइड्रोजनीकरण में हम लोग उत्प्रेरक रूप में निकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है किस मूलक के कारण होता है, किस मूलक के कारण होता है आतिशबाजी में लाल रंग, तो स्ट्रॉन्शियम है। स्ट्रॉन्शियम का कारण क्या होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। अब बेरिलियम का कारण हरा रंग होता है, ठीक है। और अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो किस पदार्थ को बनाएंगे, ठीक है। तो लवण बनाते हैं, ठीक है, लवण और जल निकालते हैं। और उदासनीकरण क्रिया है, उदासनीकरण क्रिया में क्या होता है, तो उदासनीकरण में क्रिया में लवण और क्या है, जल बनते हैं, ठीक है। सी नंबर आंसर है। सबसे शुद्धतम जल कौन है, सबसे शुद्धतम जल किसे माना गया है, तो सबसे शुद्धतम जल जो होता है वो आपका वर्षा जल को बोलते हैं सबसे शुद्धतम जल। और शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, ठीक है। उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है, यानी मलेरिया को किसी को हो जाए इसका जो परजीवी है उसको नष्ट करना है तो कौन सा हम लोग औषधि इस्तेमाल करेंगे, तो मलेरिया परजीवी में हम लोग क्लोरोक्वीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए। और किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी ऐसा कौन सा आपका लोहा के प्रकार है इसमें कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, तो ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस होते हैं उनका आंतरिक ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, कुकिंग गैस जो है मिश्रण होता है, जो कुकिंग गैस का मतलब है एलपीजी की बात करें, एलपीजी सिलेंडर की बात करें, उसमें किस गैस का होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसमें, ठीक है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर पदार्थ हमें मालूम है क्या है, हीरा है। ठीक है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन का जो समस्थानिक होता है उसकी संख्या कितना है, समस्थानिक समझते हैं, समस्थानिक मतलब क्या होता है, उसका परमाणु संख्या सेम रहेगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा, अलग रहेगा, किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना समस्थानिक होता है, ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कोबाल्ट का पोलोनियम का समस्थानिक सब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन समस्थानिक कितना होता है, ऑक्सीजन समस्थानिक 2 होता है। धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह किसके कारण होता है, ठीक है, इनको धातु का तार है उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित हम करेंगे तो किस कारण प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कारण होता है। और जल सीसा का रासायनिक नाम क्या है, जल सीसा का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा, जल सीसा का रासायनिक नाम क्या है, जल सीसा का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, ठीक है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238।
हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का के सिद्धांत का प्रतिपादन। स्थिर ताप पर, ठीक है, ताप को स्थिर कर दीजिए, गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? स्थिर ताप है, ठीक है, तो गैस का आयतन कम करने पर उस पर दाब में क्या असर होगा? क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? सी, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी स्थिर दाब का नियम हम जानते हैं कि बॉयल्स का नियम है, स्थिर दाब का नियम, स्थिर दाब का नहीं, स्थिर ताप का नियम जो है बॉयल्स नियम है। इसमें क्या होता है? वी प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, ठीक है। यानी अगर वॉल्यूम कम कीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ाना होगा हमें, ठीक है, बढ़ जाएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था जिसके कारण भोपाल में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण क्या होता है? भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। रेडियो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम लोग करते हैं, ठीक है। सूर्य के किरणों का कौन सा भाग, सूर्य के किरणों के कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है? सोलर कुकर को गर्म करता है, सूर्य के किरणों का कौन सा भाग जो है सोलर किरणों को गर्म करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड किरणें। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि अगर केल्विन में हमें चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है उसमें 273 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें केल्विन के रूप में उसका वैल्यू मिलता है। तो ताप यानी जल का जो क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 373 मिलेगा, ठीक है। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु कौन है? सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है।
निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? निम्न हैलोजन समूह में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है अयस्क है थोरियम का। और कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु पूछा है हमने, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रोमीन होगा। ठीक है, अधातु पूछता तो पारा होगा। ठीक है, रेडियम प्राप्त किया जाता है, जो रेडियम है प्राप्त किससे किया जाता है? पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने में किया जाता है? ठीक है, दर्पण में चमक देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग करते हैं दर्पण में चमक देने के लिए। सबसे आघातवर्ध धातु कौन है? सबसे आघातवर्ध धातु है सोना। आघातवर्ध मतलब इसको पीट पीट के चादरें बना सके, ठीक है, उसको आघातवर्ध बोलते हैं। पीट पीट के चादरें बना सके जा सके। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सपोर्ट करें। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कोई अलग वीडियो में। मैं ग्रुप डी 2021 के लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।